हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज हो गया है। 7 दिन तक चलने वाले इस सत्र के पहले दिन विधानसभा सदस्य रहे खूबराम के निधन पर शोकोद्गार प्रस्तुत किया गया। इससे पहले कि प्रश्नकाल शुरू होता, विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव नियम 67 के तहत आपदा पर चर्चा मांगी। वहीं सदन में चर्चा ना होने से नाराज विपक्ष ने सदन में नारेबाजी शुरू कर दी और वॉकआउट कर दिया। आज विधानसभा का मॉनसून का ये पहला सत्र है और इस पहले सत्र में पहले दिन हमने हिमाचल प्रदेश में बारिश और बरसात के कारण जो त्रासदी हुई है उस पर नियम 67 के अंतर्गत चर्चा मांगी है। और जहां तक रूल का प्रोविजन है उसमें बड़ा साफ है, स्पष्ट है, जब नियम 67 के अंतर्गत चर्चा मांगी जाती है, चाहे प्रस्ताव सरकारी है, चाहे वो प्रस्ताव किसी एक माननीय सदस्य का है, वो सब कुछ स्थगित कर दिया जाता है। इसलिए इसको स्थगन प्रस्ताव बोलते हैं। सारी कार्यवाही स्थगित करके एक ही विषय पर चर्चा की जाती है नियम 67 के अंतर्गत जब वो स्वीकार किया जाता है। लेकिन मुझे मालूम था कि सरकार की ओर से पहले ही ये मन बना लिया था हमने कि हमने नियम 67 के अंतर्गत चर्चा की अनुमति नहीं देनी है, और इसीलिए पहले ही मुख्यमंत्री ने जो प्रस्ताव लाया है उस प्रस्ताव को लाने के पीछे मंशा एक अलग तरह की थी और हमारी मंशा बड़ी साफ थी, जिसमें राजनीति नहीं, जिसमें हिमाचल प्रदेश का हर व्यक्ति का भाव है कि इस वक्त सत्र शुरू हो रहा तो हमारा घर चला गया है, हमारा परिवार का सदस्य चला गया है, कहीं तो आवाज़ वो हमारी उठाई जाएगी सरकार के सामने, और ये जिम्मेवारी विपक्ष के नाते हम निभाने की कोशिश विधानसभा के अंदर कर रहे हैं। और मुझे इस बात को दुख है कि नियम 67 के ऊपर चर्चा जो रोक दी गई, जिस पर अध्यक्ष महोदय जी ने कहा कि पहले ही हम नियम दूसरे नियम के अंतर्गत वहाँ पर चर्चा को स्वीकार कर चुके हैं और मैं अध्यक्ष के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं, लेकिन बड़ी साफ बात है जब नियम 67 के अंतर्गत चर्चा मांगी जाती है, जब उसको स्वीकार करने की परिस्थिति आती है तो सारा बिजनेस रोक दिया जाता है। और आज की आवश्यकता है कि आपदा पर चर्चा हो और राजनीति से हट करके हो, और उसमें हिमाचल प्रदेश में कितने लोगों की पीड़ा है इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि सदी की सबसे बड़ी त्रासदी के दौर में से हिमाचल गुजर रहा है। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं हिमाचल प्रदेश में, सड़कें बंद पड़ी हैं, बिजली बंद पड़ी है, पानी की योजनाएं बंद पड़ी है, त्राही त्राही चारों तरफ मची है। तो इस सदन में सारा काम रोक करके नियम 67 के अंतर्गत ये चर्चा होनी बहुत वाजिब थी और ये बहुत आवश्यक थी, और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से इस चर्चा को सरकार की ओर से लाने की कोशिश की है उसमें एक ही चीज़, क्योंकि प्रदेश सरकार अपने आप कुछ नहीं करना चाहती है, सारा ठीकरा केंद्र सरकार के ऊपर फोड़ना चाहती है और केंद्र सरकार आपदा, राष्ट्रीय आपदा घोषित करे, ये उनकी मंशा है। सारी बात को लेकर के उन्होंने इस सदन में इस चर्चा को लाने की बात कही है। केंद्र मदद कर रहा है, केंद्र लगातार सहयोग दे रहा है, और आज तक के इतिहास में हिमाचल प्रदेश को केंद्र की ओर से सबसे ज़्यादा मदद मिली है, ये मैं बड़ा साफ कहना चाहता हूँ। इसलिए आवश्यकता तो ये थी, जो लोगों का दर्द है उसको हम उसका हम जिक्र करें। सभी माननीय सदस्य यहाँ जिक्र करना चाहते हैं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में ये नुकसान हुआ, मेरे विधानसभा क्षेत्र में इतने लोगों की ज़िंदगी चले गई, इतने मवेशियों की ज़िंदगी चले गई, और ऐसे में उस चर्चा को रोकना मैं समझो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे हिमाचल प्रदेश के 75 लाख के करीब जो लोग हैं उनकी भावनाओं को आज सदन के अंदर व्यक्त करने से रोका गया है, ये मेरा आरोप है। देखिए, मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ, कोविड के दौरान जब हिमाचल प्रदेश में, वो भी एक बड़ा मुद्दा था, हालांकि वो प्रदेश की आपदा नहीं, वो राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय, मतलब एक वैश्विक विषय था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने नियम 67 के अंतर्गत चर्चा की अनुमति दी थी हमने। और आज तो हिमाचल प्रदेश में त्राही त्राही मची है इस आपदा के कारण, उसके बावजूद भी चर्चा की अनुमति नहीं दी जा रही है। मुख्यमंत्री अपने विचारों को थोपना चाह रहे हैं, सरकार अपने अपनी बात को कहने की बात कह रही है, लेकिन लोगों की पीड़ा कहने के लिए जो
जो विपक्ष के सदस्य हैं उनको उससे रोका जा रहा है, यही दुर्भाग्यपूर्ण है। फैक्ट जो है जो जमीनी हकीकत से बिल्कुल अलग, यही मुख्यमंत्री जी का मैंने वहां सुना, मैंने आज तक में चैनल में इंटरव्यू कुछ दिन पहले कोई कंक्लेव थी, 24 के घंटे के अंदर हमने 75,000 जो हमारे टूरिस्ट थे उनको निकाल दिया, 24 घंटे के अंदर हमने सारी सड़कें बहाल कर दी, 24 घंटे के अंदर पानी की सारी स्कीमें हमने बहाल कर दी, 24 घंटे के अंदर बिजली बहाल कर दी, 24 घंटे के अंदर कम्युनिकेशन बहाल कर दिया, और आज भी मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में बिजली अभी तक कई गाँव में अभी तक भी नहीं चल रही है। आज भी मुझे प्रधान के वहां से रिप्रेजेंटेशन आए हैं, लिख करके भेजा है, कम से कम सदन में इस बात को उठाइए कि बिजली अभी तक नहीं पहुंची है। और इतना झूठ बोलना और हर जगह झूठ बोलना, ऐसा मुझे लगता है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तो आपदा के कारण प्रदेश परेशान है, और ऊपर से 10 महीने होने जा रहे हैं इस झूठ को सुनते सुनते, हमने ये भी कर दिया, हमने वो भी कर दिया, जब जमीनी हकीकत हम लोगों ने जाकर के देखी है, सभी प्रतिनिधि यहाँ पर विधानसभा के जो हमारे विपक्ष के हैं उन्हें अपने अपने क्षेत्र में देखी किस परिस्थिति में से लोग गुजर रहे हैं। देखिए इस सारे विषय पर हम अभी विचार करेंगे, देखिए ऐसा है, चर्चा होनी चाहिए इस बात को लेकर के, सहमति एक बात है लेकिन चर्चा इस रूप में होनी चाहिए, तो इस तौर पर सहमति कोई नहीं थी पहले भी, और मैं बड़ा साहब कह रहा हूं कि हमने जो नियम 67 के अंतर्गत चर्चा लाई है इसी के अनुरूप चर्चा होनी चाहिए, यह आवश्यकता है। देखिए राजनीति की शुरुआत अगर की है तो सरकार ने की है, मुख्यमंत्री ने किया है, इनके मंत्रियों ने किया है, इनके विधायकों ने किया है, हम विपक्ष में रह करके लोगों की आवाज को उठाएंगे, और बार बार यही कहा जा रहा है आपदा है मत बोलिए, आपदा है, कब तक नहीं बोलेंगे हम, और बाहर नहीं बोले हम, हमारे बहुत सारे सदस्य भी, हम लोगों ने भी बाहर सबर किया इस आपदा की घड़ी में, लेकिन सदन के अंदर कब तक हमको बंद करेंगे, कब तक हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे, ये बर्दाश्त नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।